जैसा कि हम सभी को विदित है कि इस वर्ष नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा समस्त सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जो एडमिशन किए जा रहे हैं अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में, उन सभी में CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से ही प्रवेश दिए जाएंगे। इसके लिए पूरे भारतवर्ष में एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा और इस एग्जामिनेशन की मेरिट के बेसिस पर ही समस्त सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन होने वाले हैं। HNB अग्रवाल यूनिवर्सिटी में भी इस वर्ष CUET के माध्यम से एडमिशन होंगे और इन एडमिशनों के लिए हमारी जो कुलपति हैं माननीय प्रोफेसर अन्नपूर्णा नोडल मैडम हैं, वो लगातार किस तरह से छात्र छात्राओं इसमें अधिक से अधिक भागीदारी करें उसके लिए प्रयासरत हैं और उनके निर्देशन में हम सभी ने डिफरेंट लोकेशन पे विजिट भी किया है और छात्र छात्राओं को इस एडमिशन की प्रोसेस के बारे में इन्फॉर्मेशन दी है। साथ ही हमारे प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर RC भट्ट जी द्वारा भी समय समय पर हम सभी को निर्देशित किया जा रहा है कि किस तरह से हमको इसको प्रचारित और प्रसारित करना है। यूनिवर्सिटी के प्रवेश परीक्षा समिति के कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर AK नोटियाल जी द्वारा भी समय समय पर छात्रों को जागरूक किया जा रहा है। यूनिवर्सिटी के अधिष्ठाता छात्र कल्याण प्रोफेसर महावीर सिंह नेगी जी द्वारा भी समय समय पर छात्र छात्राओं के साथ समन्वय स्थापित किया जा रहा है और उनके द्वारा चमोली और रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में विजिट भी की गई है उनकी टीम द्वारा और डिफरेंट लोकेशंस पर छात्र छात्राओं को CUET के माध्यम से किस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है और उसकी लास्ट डेट कब है, इन सब इन्फॉर्मेशन को दिया जा रहा है। इसी की कड़ी में माननीय कुलपति महोदया के निर्देशन में और DSW महोदय के निर्देशन के अनुसार आज हमारे द्वारा एक स्टूडेंट को हेल्प करने के लिए एक हैंड ऑन प्रैक्टिस का वीडियो क्रिएट किया जा रहा है जो कि यूनिवर्सिटी के YouTube चैनल पर और यूनिवर्सिटी के जो Facebook चैनल है लिंक पर अपलोड किया जाएगा, जिसको कि देखकर छात्र छात्राएं अपनी शंकाओं को दूर कर सकते हैं और अगर उनको कोई समस्या आ रही है तो वहाँ पर आप कमेंट भी कर सकते हैं और उसका हम निराकरण करेंगे। तो सीधे चलते हैं हैंड ऑन प्रैक्टिस, किस तरह से आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है, कैसे सब्जेक्ट चूज करना है। जो छात्र छात्राएं HNB अग्रवाल यूनिवर्सिटी में संचालित विभिन्न अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एप्लीकेशन डालना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, वो सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएंगे जो कि है cuet.samarth.ac.in। आधिकारिक वेबसाइट पर जाएंगे तो इस तरह से एक लिंक ओपन होगा CUET UG 2022। इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक वेब पेज ओपन होगा। यहाँ पर राइट हैंड साइड में दो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, साइन इन और रजिस्टर। यदि आप ऑलरेडी यूजर हैं या आपने रजिस्ट्रेशन पहले किया हुआ है तो आप साइन इन करेंगे और अगर नए यूजर हैं तो आप रजिस्टर करेंगे। आप क्लिक करेंगे रजिस्टर पर तो इस तरह से एक लिंक और ओपन होगा जिस पे लिखा होगा डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन ओपन होगा जिसमें किस तरह से ये ऑनलाइन फॉर्म फिल होगा उसके लिए इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। उन इंस्ट्रक्शन को आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे और उसके बाद बॉटम पर आएंगे। बीच में यहाँ पर कई इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जिसमें फीस डिटेल भी शो हो रही है। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को अच्छी तरह से पढ़ लेने के बाद आप बॉटम पर आएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक होने के पश्चात आप क्लिक हियर टू प्रोसीड क्लिक करेंगे। इसके बाद एक नया वेब पेज ओपन होगा जिसपे कई स्टेटस आपको दिए गए हैं। 3 स्टेटस शो हो रहे हैं आपके स्टार्टिंग में। मैं यहाँ पे एक डेमो करके आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। कैंडिडेट नेम आप डाल सकते हैं, रैंडम इन्फॉर्मेशन डाल रहा हूँ तो आप है ना, तीसरा से फादर्स नेम, इसके बाद आप मदर्स नेम डालेंगे, गार्जियन नेम को भी आप इंटर कर देंगे, डेट ऑफ बर्थ आप सेलेक्ट करेंगे इस तरह से। जेंडर आप सेलेक्ट करेंगे, नेशनलिटी, आइडेंटिटी टाइप, इनमें से जो भी आपके पास उपलब्ध है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। पैन कार्ड है तो आपको एक वैलिड पैन कार्ड इसके लिए डालना पड़ेगा। इन्फॉर्मेशन सही अगर होगी तो ग्रीन कलर से शो होगी और अगर इन्फॉर्मेशन रॉन्ग होगी तो रेड कलर से। परमानेंट एड्रेस आप फिल करेंगे, जो भी आपका एड्रेस है उस तरह से लोकेलिटी, और उसके बाद कंट्री आप सेलेक्ट करेंगे।
इंडिया टॉप में ही दिया होगा, ठीक है। स्टेट उत्तराखंड स्टेट, अगर आप उत्तराखंड से हैं या अन्य स्टेट से हैं उसी तरह से आप फील करेंगे। डिस्ट्रिक्ट को आप सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद पिन कोड आप डालेंगे, ईमेल एड्रेस, इसके बाद मोबाइल नंबर आप फिल करेंगे जिस पे कि आपका ओटीपी आएगा और आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा। ये ईमेल आईडी और ये मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए क्योंकि अगर फ्यूचर में किसी तरह का भी कम्युनिकेशन होगा तो इसी नंबर पर आपका होना है। अल्टरनेट नंबर आप दे सकते हैं। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस एक ही है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, और अगर डिफरेंट है तो आप उसको दोबारा से फिल करेंगे प्रेजेंट और परमानेंट को। तो अगर एक है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे इस ऑप्शन पर। इसके बाद आप एक पासवर्ड चूज करेंगे। पासवर्ड के लिए आपको कुछ इंस्ट्रक्शन क्लियरली दिए गए हैं, उसमें एक कैपिटल वर्ड होना चाहिए, न्यूमेरिक होने चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो हमने इसको जनरेट कर दिया। इस तरह से आप भी कर सकते हैं, जो भी सिक्योरिटी क्वेश्चन आप जनरेट करना चाहते हैं। ये जो भी यहाँ पे जो वर्ड लिखे हैं उनको आपको यहाँ पे फिल करना है अच्छी तरह से देखकर, और उसके बाद आपको सबमिट क्लिक, सबमिट क्लिक करते ही इसमें कुछ गलती आ गई है तो आप इसको दोबारा से देखेंगे, दोबारा से अच्छी तरह से देख के इसको फिल करेंगे, वाई स्मॉल बी स्मॉल यू ए बी। अगर आपने सही फिल किया तो ग्रीन कलर से इंडिकेट हो जाएगा कि आपने सही फिल किया है। सबमिट करने के बाद ये आपको पूरी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करेगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सारी डिटेल आपके पास आएंगी, आप इनको देखेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन में जाने के लिए आप अच्छी तरह से इन्फॉर्मेशन, अगर सारी इन्फॉर्मेशन सही है तो इसके बाद आप उन इन्फॉर्मेशन पे यस करेंगे, जो जो इन्फॉर्मेशन आपको सही लगती है कि हमने सही फिल की है। इनको फिल करने के बाद आप ओटीपी के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, मोबाइल नंबर पर आपका ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर आप डालेंगे। ये आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो गया है। तो ये आपको रजिस्ट्रेशन से भी शो हो रहा है कि आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट सेक्शन है एप्लीकेशन फॉर्म, इसको आप फिल करेंगे, कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म। ये आपका एप्लीकेशन को दोबारा से शो करेगा, यहाँ पे कई सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपको फिल करनी है। तो कुछ इन्फॉर्मेशन आपने फिल कर दी है, कुछ आपकी बची हुई है, तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे। कैटेगरी आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, जो इन्फॉर्मेशन छूट गई है, अगर आप जनरल ओबीसी एससी एसटी जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं आप उसको सेलेक्ट करेंगे। तो हमने जनरल कैटेगरी सेलेक्ट कर लिया है। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो आप यस नो ऑप्शन को चूज करेंगे। फादर्स क्वालिफिकेशन आपको पूछी गई है तो आप फादर्स क्वालिफिकेशन चूज करेंगे, फादर का ऑक्यूपेशन क्या है चूज करेंगे उसको, मदर्स नेम लिख चुके हैं, मदर्स क्वालिफिकेशन आप चूज करेंगे, मदर्स ऑक्यूपेशन आप चूज कर सकते हैं, एनुअल इनकम आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आर यू ट्विन आप जुड़वा तो नहीं है, उसी हिसाब से आप अपना ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, डोमिसाइल स्टेट जिस भी स्टेट से आपका डोमिसाइल है आप बिलोंग करते हो आप उसको यस करेंगे, आप डायबिटिक तो नहीं है, प्लेस ऑफ रेजिडेंस आप रूरल ग्रामीण क्षेत्र में हैं या फिर अर्बन क्षेत्र में हैं, आप अपनी लोकेलिटी के हिसाब से आप ऑप्शन को चूज करेंगे, मोड ऑफ प्रिपरेशन आप किस तरह से इस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, किस मीडियम में आप, व्हाट इज द मीडियम ऑफ स्टडी इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, आपका मीडियम क्या था क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में, जो 12th क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है तो उस हिसाब से आप सिलेक्ट करेंगे। ये आपका एड्रेस है, ये आप फिल कर चुके हैं, परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस एक ही है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, अगर एक है अलग है तो आप दोबारा से उसे फिल करेंगे यहाँ पे। डू यू बिलोंग टू बिलो पॉवर्टी लाइन, आर यू कश्मीरी माइग्रेंट, कश्मीरी माइग्रेंट यस करेंगे। वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल, आप एक्स सर्विसमैन या डिफेंस पर्सनल की वार्ड हैं तो आप उस तरह से उसको सेलेक्ट करेंगे। अगर आप एनसीसी अगर आपकी रही है, बी और सी सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप उस तरह से उसको चूज करेंगे। स्पोर्ट्स नेशनल स्टेट या इंटरनेशनल लेवल का सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप स्पोर्ट कोटा को भी यहाँ पे चूज कर सकते हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय की वार्ड हैं तो उस हिसाब से भी आप ऑप्शन को चूज कर लेंगे। इसके बाद आप इंफॉर्मेशन को सेव करेंगे, सारी इंफॉर्मेशन आपकी सेव हो जाएगी और आपको डिस्प्ले भी हो जाएगी जैसे आप क्लिक करेंगे। अगर आपको कोई चेंज करना है इसमें तो आप अपडेट पर्सनल फॉर्म क्लिक करके जो इंफॉर्मेशन आपको चेंज करनी है उसको आप यहाँ पे कर सकते हैं चेंज, अदरवाइज आप प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन में आप जा सकते हैं। अब आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में, एजुकेशनल डिटेल के बारे में पूछा जाएगा यहाँ पर,
सबसे पहले आप टेंथ की स्टेटस को, आप क्लास टेंथ की क्या स्टेटस है आपका, उसको आप फिल करेंगे। आपका रिजल्ट स्टेटस क्या है, आप पास हो चुके हो क्योंकि आप ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो टेंथ आप पास होंगी। ईयर ऑफ पासिंग आपका क्या रहा 2020, क्वालिफाइंग एग्जाम टेंथ है आपका, प्लेस ऑफ स्कूलिंग आपका रूरल था या अर्बन था, तो ग्रामीण परिवेश है तो रूरल। टाइप ऑफ स्कूल किस तरह का स्कूल है, वो गवर्नमेंट स्कूल है या प्राइवेट है या केंद्रीय विद्यालय है, तो आप उसी तरह से उसको सेलेक्ट करेंगे। इंडिया या आउटसाइड, किस क्षेत्र से आपने अपना, किस जगह से आपने अपना पास किया है टेंथ, वो लोकेशन चूज करेंगे। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, इंडिया में कौन सा स्टेट है उसको आप चूज करेंगे। डिस्ट्रिक्ट, किस डिस्ट्रिक्ट में आपका ये पड़ता है, तो आप बोर्ड का नाम आप चूज करेंगे, CBSE मैंने चूज कर लिया यहाँ पे। स्कूल, जो भी स्कूल का नाम है आप उसे फिल करेंगे, उसका जो पिन कोड है, आपका रोल नंबर, और रिजल्ट में आप ग्रेड में आपका रिजल्ट है या परसेंटेज में आपका रिजल्ट, किस में आपको चूज करेंगे। परसेंटेज में अगर आप रखेंगे तो मैक्सिमम मार्क्स आपको पूछा जाएगा, और आपने ऑब्टेन कितने किए हैं वो आपसे पूछा जाएगा, और परसेंटेज खुद ही कैलकुलेट कर लेगा। इसके बाद आप अपने ट्वेल्थ की इन्फॉर्मेशन को भरेंगे, ट्वेल्थ क्लास में रिजल्ट स्टेटस क्या है। अगर आपने अभी बोर्ड के एग्जाम दिए हैं और आपका रिजल्ट ओपन नहीं हुआ है, तो उसके लिए आप अपेयरिंग को सेलेक्ट कर सकते हैं। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन ट्वेल्थ आ जाएगा। प्लेस ऑफ स्कूलिंग आपका अर्बन मैंने सेलेक्ट कर लिया है। टाइप ऑफ स्कूल किस तरह का स्कूल है, तो मैंने केंद्रीय विद्यालय उसको सेलेक्ट कर दिया है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कंट्री इंडिया, और ये मैं पहले ही बता चुका हूँ इनको, तो इनको हम जल्दी से फिल कर लेंगे। बोर्ड का नाम, जिस बोर्ड से भी आप पास कर रहे हैं उसका, स्कूल का नाम, उसका पिन कोड और अपना रोल नंबर, उसको फिल कर लेंगे और उसके बाद सेव कर देंगे। इस तरह से आपकी टेंथ और ट्वेल्थ दोनों की इन्फॉर्मेशन आपको उससे होगी। आप उसको अच्छी तरह से दे लेंगे इन्फॉर्मेशन सही है गलत, अगर कहीं पे गलत इन्फॉर्मेशन फिल कर दी गई है तो आप उसको क्या करेंगे, अपडेट करेंगे, अदरवाइज आप नेक्स्ट सेक्शन के लिए प्रोसीड कर देंगे। अब यहाँ पे मेन काम आपका शुरू होता है, अप्लीकेशन फॉर्म यूनिवर्सिटी ऑब्लिक प्रोग्राम सिलेक्शन। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं, उसका कौन सा प्रोग्राम आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो ये जो वीडियो बनाया जा रहा है, HNV गढ़वाल यूनिवर्सिटी को सेंटर में रख के बनाया जा रहा है, तो हम उसी को, उसी के कोर्सेज और उसी यूनिवर्सिटी को चूज करके एडमिशन और रजिस्ट्रेशन किस तरह से होना है उसको समझाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले सेलेक्ट यूनिवर्सिटी, यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं डिफरेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और अन्य जो यूनिवर्सिटीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके नाम आ रहे हैं यहाँ पे, तो हम सेलेक्ट करते हैं HNV गढ़वाल यूनिवर्सिटी। तो सबसे पहले मैंने यूनिवर्सिटी चूज कर लिया है, और अब मुझे प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, तो कौन सा प्रोग्राम मुझे सेलेक्ट करना है और उस प्रोग्राम की क्वालिफिकेशन क्या है, उसके लिए मुझे उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। इस फॉर्म को फिल करने से पहले मुझे अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि HNV गढ़वाल यूनिवर्सिटी में कौन कौन से अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम चल रहे हैं और उनकी क्वालिफिकेशन क्या है। तो हम इसके लिए HNV गढ़वाल यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट hnbgu.ac.in पर जा सकते हैं। इस तरह से हमारी वेबसाइट ओपन होगी, ये HNV गढ़वाल यूनिवर्सिटी का वेब पेज है, इस तरह से ये पोर्टल ओपन होगा। यहाँ पर आप नोटिफिकेशन, ये जो सेक्शन है यहाँ पे आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन ऑब्लिक सर्कुलर, यहाँ पे आप व्यू ऑल में क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक और वेब पेज ओपन होगा। यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं जो भी इंफॉर्मेशन या सर्कुलर या नोटिफिकेशन गढ़वाल यूनिवर्सिटी समय समय पर निकालती है, तो आप उसको देख सकते हैं। इनमें से आप देखेंगे तो इसमें कई सारी इन्फॉर्मेशन CUT की रिगार्डिंग दी गई है, जैसे हमारा एक है हेल्प डेस्क फॉर CUT। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कहीं पे आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो ये यहाँ पे डाउनलोड का ये ऑप्शन है, आप इस PDF पे क्लिक करेंगे तो PDF डाउनलोड हो जाएगा, और वहाँ पे जो हेल्प डेस्क रिलेटेड जो पर्सन है हमारे, उनके मोबाइल नंबर लिखे गए हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। हमें फिलहाल HNV गढ़वाल यूनिवर्सिटी में चल रही है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज और उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या है, उस PDF पर हमें जाना है। तो यहाँ पे फर्स्ट पेज में आपको शो नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ पे नेक्स्ट पेज में आप जा सकते हैं, राइट हैंड साइड बॉटम में यहाँ पे आप क्लिक करके Page 1 के आगे आप क्लिक करेंगे तो Page 2 पर जाएंगे। Page 2 पे जाएंगे तो आप कोई एक नया वेब पेज, दूसरा पेज इसका ओपन होगा, आप यहाँ पे देखेंगे तो क्लियर सी यहाँ पे लिखा गया है
14 नंबर पर, 14 नंबर पर क्लियर से लिखा है मैपिंग फॉर सीयूटी अंडर ग्रेजुएट एडमिशन 2022-23 रिगार्डिंग। तो ये ऑप्शन आपको क्लियर से बता रहा है कि सीयूटी की अंडर ग्रेजुएट की जो मैपिंग है वो इस यहाँ पर है। तो आप इस पीडीएफ पे क्लिक करेंगे, जैसे ही यहाँ पर इस पीडीएफ पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से एचएनबी ग्लोबल यूनिवर्सिटी का जो मैपिंग है अंडर ग्रेजुएट का वो ओपन हो जाएगा। जब आप यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक वेब पेज ओपन होगा जो कि एचएनबी ग्लोबल यूनिवर्सिटी में चल रहे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज की मैपिंग के रिगार्डिंग है। तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट डिग्री कोर्सेज, उनके सम्मुख प्रोग्राम कौन से चल रहे हैं और उनके लिए रिक्वायरमेंट किन डोमेन सब्जेक्ट्स की है क्लियरली मेंशन किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, सपोज दैट आप मैथमेटिक्स ग्रुप में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो क्लियरली फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री सब्जेक्ट्स को आपको चूज करना है। लाइफ साइंस के लिए केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स को आप चूज करना है। इसी तरह से अन्य प्रोग्राम्स की डिटेल आपको दी गई है। बी टेक में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से डोमेन सब्जेक्ट हैं उसके लिए, फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री। बीएससी योगा, नेचुरोपैथी एंड योगा में आप अगर एडमिशन लेने चाहते हैं तो उसके लिए रिक्वायरमेंट जनरल टेस्ट है। बीकॉम में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो 3 सब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट है आपके पास, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स, ये 3 सब्जेक्ट आप सेलेक्ट करेंगे। बीए की अगर आप बात करें तो बीए में एडमिशन के लिए केवल जनरल टेस्ट को ही रिक्वायरमेंट हमने बनाया है। इसके अलावा आप अगर देखेंगे अन्य कोर्सेज के बारे में, अगर बीसीए को आप देखेंगे तो बीसीए में रिक्वायरमेंट जो है फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री। बीबीए के लिए आपको जनरल टेस्ट देना है, बीएससी आईटी के लिए जनरल टेस्ट। तो किन किन सब्जेक्ट्स में, किन किन प्रोग्राम्स में कौन से सब्जेक्ट आपको ऑप्ट करने हैं, ये आपको तभी पता चलेगा जब आप जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसकी मैपिंग को आप देखेंगे। अगर आप मैपिंग को नहीं देखेंगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि आपको कौन से डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट को आपको चूज करना है। तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिस भी टारगेट यूनिवर्सिटी को आप एडमिशन के लिए देख रहे हैं उसकी मैपिंग को देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तभी जाके आपको पता लगेगा कि आपको कौन से सब्जेक्ट आपको चूज करना है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक चीज आपको यहाँ पे समझा देना बहुत ज्यादा जरूरी है, सपोज एट बीएससी मैथमेटिक्स है उसके लिए सब्जेक्ट है फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, आप इन 3 सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। सपोज एट आपका एडमिशन आप बीटेक में चाहते हैं तो बीटेक के लिए फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, तीनों डोमेन सब्जेक्ट वही है जो बीएससी के लिए है। तो आप इन्हीं तीनों के माध्यम से, इन्हीं तीनों टेस्ट को देने के बाद बीटेक के लिए भी एलिजिबल हैं और बीएससी के लिए भी मैथमेटिक्स ग्रुप के लिए एलिजिबल है। तो इन 3 टेस्ट को देने पर आप बीसीए जो कि नीचे दिया गया है बीसीए प्रोग्राम, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, उसके भी डोमेन सब्जेक्ट वही है। तो आप इन 3 टेस्ट के द्वारा इन 3 प्रोग्राम्स, इन 3 कोर्सेज में, इन 3 डिग्री कोर्सेज में एलिजिबल हैं एडमिशन के लिए। लेकिन ये आप तभी एलिजिबल होंगे जब आप सब्जेक्ट तो चूज करेंगे साथ ही साथ उस यूनिवर्सिटी के उन प्रोग्राम को भी ऐड कोर्सेज में डालेंगे। तो इस तरह से आप मैपिंग को जरूर देखें एक बार फॉर्म फिल करने से पहले, तभी आपको ये समझ में आएगा कि आपको कौन से सब्जेक्ट आपको चूज करने हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि बीए के लिए कौन सा सब्जेक्ट है, तो क्लियर सी बात है, बीए अगर आप डिप्लोमा इन फोक डांस में लेना चाहते हैं तो क्लियर सी आपको साफ दिख रहा है कि उसकी डोमेन में क्लियरली जनरल टेस्ट को मेंशन किया गया है। इसका मतलब आपको केवल जनरल टेस्ट ऑप्ट करना है। तो ये आपको कहाँ से पता चलेगा, जब आप यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट पर जो मैपिंग है उसको डाउनलोड करेंगे और उसको देखेंगे। तो मैंने आपको एक रफली कौन कौन से हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं, कौन कौन से अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम हैं, उनकी मैपिंग किस तरह से है, किस तरह से आप सब्जेक्ट को चूज करेंगे वो आप अगर देखेंगे तो आपको क्लियरली इस वीडियो से आपको पता चल जाएगा। अब हम चलते हैं दोबारा कोर्सेज की ओर। हमने एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी को चूज कर लिया है और उसकी कंसर्न जो प्रोग्राम है जिस कोर्स में हम एडमिशन लेना चाहते हैं अब हम उसकी तरफ बढ़ेंगे। तो सपोज दैट मैंने एक कोर्स सेलेक्ट कर दिया है इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग बीटेक, इसके अलावा मैं अन्य कोर्सेज में भी अप्लाई करना चाहता हूं तो उन कोर्सेज को भी मैं अप्लाई कर दूंगा। तो जैसे मैंने कोर्स सेलेक्ट किया, पहला कोर्स बीटेक, उसको मैंने ऐड कर दिया तो ये लिस्ट में ऐड होकर आपको दिख रहा है, बॉटम में आ जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद सेकेंड कोर्स मैंने एक और सेलेक्ट कर लिया है, सपोज दैट बीएससी मैथमेटिक्स ग्रुप,
इसको भी मैंने ऐड कर दिया है, तो वो भी आपकी लिस्ट में आ जाएगा। फिर मैंने बीकॉम को भी सेलेक्ट कर लिया है, तो वो भी आ जाएगा, और बीए को भी मैंने सेलेक्ट कर दिया है। तो ये सारे कोर्सेज मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिए हैं एडमिशन के लिए। तो चार प्रोग्राम को मैंने फिलहाल सेलेक्ट कर दिया है, और मैपिंग को भी मैंने अच्छी तरह से देख लिया है। तो मैं अब आगे इसमें बढ़ जाता हूँ। तो इस तरह से मुझे ये पेज दिखेगा जिसमें क्लियर से मुझे दिख रहा है कि मेरे चार प्रोग्राम इंक्लूड हो रखे हैं। इसके बाद अगर अपडेट मुझे करना है तो अपडेट कर सकता हूँ, अदरवाइज नेक्स्ट सेक्शन में हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरह से आपको दिखेगा। अब यहाँ पे आपको पेपर सेलेक्ट करने हैं। तो मैपिंग अगर आपने कंसर्न यूनिवर्सिटी के, जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, उसकी अगर आपने मैपिंग को अच्छी तरह से देख लिया है, तो आप अच्छी तरह से यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी में चल रहे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्रामों की मैपिंग को अगर आप अच्छी तरह से देखेंगे, तो आप पाएंगे कि किसी भी कोर्स में आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, लैंग्वेज को ऑप्शन रखा ही नहीं है। तो आप यहाँ पर नॉट अप्लीकेबल चूज कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी प्रोग्राम के लिए आपको ये ज़रूरत नहीं है। अब आपको यहाँ पे दो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट आप यहाँ पे चूज कर सकते हो, और तीन डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट आप सेकंड स्लॉट में चूज कर सकते हो। तो क्योंकि आप बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं, जहाँ पर मैपिंग में क्लियरली तीन सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स को डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट रखा गया है, तो आप उन तीन सब्जेक्ट को जब आपके पास चॉइस है और आप केवल बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप उनको सेकंड स्लॉट में चूज कर सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे, अगर आप यहाँ पे जाएंगे देखेंगे यहाँ पे, तो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। फिजिक्स आपने चूज कर लिया, सेकंड ऑप्शन आपने केमिस्ट्री को आपने चूज कर लिया, और थर्ड डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट आपने मैथमेटिक्स चूज कर लिया। इस तरह से आपने तीनों सब्जेक्ट को आपने चूज कर लिया। क्योंकि आपने यहाँ पे सेलेक्ट नहीं किया है, तो आपको यहाँ पे आपको लैंग्वेज का मैंने कहा है लैंग्वेज नॉट अप्लीकेबल। इसके बाद एडिशनल सेकेंड जो लैंग्वेज है, ये भी आपको सेकेंड स्लॉट में, ये सब्जेक्ट सेकेंड स्लॉट में। इस तरह से अगर कहीं और प्रोग्राम डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स आपने यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल कर देना है, बाकी ऑप्शन जो छुटे हैं उन सबको भी आपको देखिए नॉट अप्लीकेबल, और थर्ड को भी मैंने क्या कर दिया है, डू यू वॉन्ट टू अप्लाई फॉर जनरल टेस्ट। अगर आप बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको जनरल टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। तो आप ये जनरल टेस्ट बीए और अन्य कोर्सेज के लिए जहाँ जहाँ पे मैंशन किया है, तो मैं नो इसको ऑप्शन मैंने चूज कर लिया है, इसका मैंने आप सेव कर दिया फाइनली। तो सेव करके फिर फाइनली इस तरह से को दिख रहा है कि मेरे टेस्ट सब्जेक्ट पहले स्लॉट में नहीं है, और सेकंड स्लॉट में मेरे पास तीन सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। इस तरह से बीटेक में अगर मुझे एडमिशन लेना है, या बीएससी में या बीसीए में, जिन कोर्सेज में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, या बीकॉम में अगर आप एडमिशन लेने चाहते हैं, वहाँ पे तीन सब्जेक्ट आपके पास हैं, बिजनेस स्टडीज, अकाउंटिंग और इकोनॉमिक्स, उन तीन सब्जेक्ट को आप सेकेंड स्लॉट में चूज कर सकते हैं। और इस तरह से आपको पहले स्लॉट की फीस देने की जरूरत नहीं है, केवल आप सेकंड स्लॉट में तीन सब्जेक्ट को ऐड करेंगे और उसकी फीस सबमिट करके उन कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हैं या फिर रजिस्टर कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स यहाँ पे अगर मैंने चूज किया है, तो मैं बीसी के लिए भी एलिजिबल हो गया, बीएससी के लिए एलिजिबल हो रखा हूँ, और बीटेक के लिए भी एलिजिबल हूँ। बीकॉम में अगर मैंने एडमिशन लेना है, तो मुझे सेकंड स्लॉट में बीकॉम के जो तीन डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है उनको चूज करना है यहाँ पर। तो ये तो हो गया उन कोर्सेज के बाद जिनमें तीन सब्जेक्ट हैं डोमेन स्पेसिफिक, उन तीनों को आप सेकंड स्लॉट में चूज कीजिए, फर्स्ट में नहीं कीजिए। तो आपको केवल सेकंड स्लॉट की जो फीस है, जनरल कैंडिडेट के लिए 650, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 600, या एससी एसटी कैटेगरी में जो है उनके लिए 550, एक ही स्लॉट में आप फीस जमा करेंगे, तो आप का रजिस्ट्रेशन उस कोर्स में हो जाएगा। अब क्योंकि मैंने सेलेक्ट किया है, अगर आप देखेंगे मैंने चार प्रोग्राम में सेलेक्ट किया है, चार प्रोग्राम में मैंने एडमिशन लेने के लिए आवेदन किया है, बीटेक में, बीएससी में, बीकॉम में और आर्ट्स में, जहां पे रिक्वायरमेंट ये आप देख सकते हैं क्लियरली इस तरह से है। बीएससी में अगर आप देखेंगे तो डायरेक्ट एंट्री के लिए बीटेक में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स चाहिए थी, बीएससी में पीसीएम, तो इन दोनों कोर्सेज के लिए तो मैं अप्लीकेबल हो गया, लेकिन बीकॉम और बीए के लिए मैं एलिजिबल नहीं हूँ, क्योंकि ये तो ये सब्जेक्ट मैंने चूज ही नहीं कर रखे हैं, तो मैं इन कोर्सेज के लिए एलिजिबल हूँ ही नहीं अभी, क्योंकि मैंने इसके सब्जेक्ट चूज नहीं किए। तो मैं अपडेट करके आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आप एक साथ दोनों स्लॉट का यूटिलाइजेशन करके आप इन चारों प्रोग्राम में कैसे आप एलिजिबल हो सकते हैं। तो आप अपडेट करेंगे, मैं इस अपडेट करके आपको दिखा देता हूँ। मैंने चूज कर लिए हैं एक
कैंडिडेट टोटल 9 टेस्ट दे सकता है दोनों स्लॉट को मिला के, 4 टेस्ट पहले स्लॉट में और 5 टेस्ट सेकेंड स्लॉट में, तो कैंडिडेट 9 टेस्ट में अपीयर हो सकता है एक साथ। तो लैंग्वेज क्योंकि किसी भी कोर्स में एलिजिबिलिटी नहीं है तो मैंने लैंग्वेज को नॉट अप्लीकेबल कर दिया है। अब डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट को मैं यहाँ पे चूज कर रहा हूँ, तो कॉमर्स के लिए मुझे रिक्वायरमेंट है, इकोनॉमिक सब्जेक्ट को मैंने चूज कर लिया है, बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट को मैंने चूज कर लिया है। अब बी कॉम का मेरे पास एक सब्जेक्ट और छूट जाता है जो कि है अकाउंटिंग। बीए के लिए जनरल टेस्ट देना जरूरी है क्योंकि मैंने बीए भी सेलेक्ट किया कि मैं बीए में भी एडमिशन लेना चाहता हूँ, तो मैंने बीए को सेलेक्ट कर दिया यस। तो अब मैं बीए के लिए भी एलिजिबल हो गया। बी कॉम के मैंने 2 सब्जेक्ट चूज कर लिए हैं, बीएससी और बीटेक के ये 3 सब्जेक्ट यहाँ पे कवर हो चुके हैं। और बी कॉम का जो सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट बी कॉम का जो छूटा हुआ है क्योंकि बी कॉम के लिए जो 3 सब्जेक्ट चाहिए थे 2 तो मैंने यहाँ कवर कर दिए, और जो थर्ड सब्जेक्ट है वो यहाँ पे अकाउंटिंग का जो सब्जेक्ट है वो मैं यहाँ पे चूज कर सकता हूँ। और लैंग्वेज का तो खैर किसी भी लैंग्वेज ऑप्शन मुझे चूज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में ये 2 ऑप्शन मेरे ब्लैंक जाएंगे। तो इस तरह से मैंने 1, 2, 3, 4 कोर्सेज यहाँ सेलेक्ट कर लिए हैं और 3 यहाँ पे चूज कर लिए हैं, तो 7 में मैं इसमें टेस्ट दे सकता हूँ। अब मैंने इसको सेव किया तो आप देखिए, तो पहले स्लॉट में मेरे जो एग्जाम हो रहे हैं वो हो रहे हैं कॉमर्स के ये 2 सब्जेक्ट और जनरल टेस्ट बीए के लिए, और दूसरे स्लॉट में आप देखेंगे ये पीसीएम, ये 3 मेरा काम कर रहा है बीटेक में एडमिशन के लिए भी और बीएससी में भी एडमिशन के लिए। ये जो लास्ट सब्जेक्ट है डोमेन स्पेसिफिक 6ठा सब्जेक्ट जो है ये हमारे कॉमर्स के जो 3rd ऑप्शन है उसको कवर कर रहा है। तो इस तरह से मैं बी कॉम, बी ए, बी टेक और बीएससी 4 कोर्सेज में अब एलिजिबल हो गया। मेरे जो सब्जेक्ट चूज किए हैं वो दोनों स्लॉट में आते हैं, 1st स्लॉट में भी पढ़ रहे हैं और 2nd स्लॉट में भी पढ़ रहे हैं, तो इस बार मुझे दोनों की फीस जमा करनी होगी, 650 जनरल कैंडिडेट के लिए 1st स्लॉट के लिए और 650 सेकेंड स्लॉट के लिए। तो इस तरह से आप दोनों स्लॉट में सब्जेक्ट को चूज कर सकते हो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हमारे यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं वो कर रहे हैं बीएससी मैथमेटिक्स ग्रुप के लिए और बीएससी लाइफ साइंस ग्रुप के लिए, तो उनके मैपिंग में 3 सब्जेक्ट मेंशन किए हुए हैं, तो वो तीनों सब्जेक्ट को 2nd स्लॉट में सेलेक्ट करें और 1 ही स्लॉट की फीस जमा करें। बीए के लिए जो स्टूडेंट्स आवेदन करना चाहते हैं वो पहले स्लॉट की ही फीस जमा करें और जनरल स्टडीज को चूज करें, बी कॉम या अन्य सब्जेक्ट जिनमें 3 चॉइस हैं उसके लिए 2nd स्लॉट ही ऑप्ट करें, 1 ही स्लॉट की फीस जमा करनी पड़ेगी। अगर आप बीएससी के लिए अप्लाई कर रहे हैं और पीसीएम रिक्वायरमेंट है और आप फिजिक्स केमिस्ट्री पहले स्लॉट में सेलेक्ट कर रहे हैं और मैथ्स को 2nd स्लॉट में चूज कर रहे हैं तो आपके दोनों स्लॉट कवर हो रहे हैं उस केस में, 2 की फीस आएगी आपकी, तो अननेसेसरी फीस जमा करने से बढ़िया आप 2nd स्लॉट में ही उन डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट को चूज कीजिए, उन सारे सब्जेक्ट को 2nd स्लॉट में, तो आप एक ही स्लॉट की फीस आपको देनी पड़ेगी। ये एक अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है जो सभी स्टूडेंट्स को ध्यान में रखनी चाहिए। तो इस तरह से आप मैंने अपने सब्जेक्ट को चूज कर लिया है और अब हम आगे बढ़ सकते हैं, जो ये मेरे प्रोग्राम है 4 प्रोग्राम इनके लिए मैंने सब्जेक्ट चूज कर लिए हैं, सारे सब्जेक्ट आप देख सकते हैं, नेक्स्ट सेक्शन में आगे बढ़ सकते हैं हम। अब आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन पेपर मीडियम किस माध्यम में आप टेस्ट देना चाहते हैं, मैंने हिंदी को सेलेक्ट कर लिया है। अब आपके पास सेंटर प्रेफरेंस कहाँ पे आप टेस्ट देना चाहते हैं, तो मैंने उत्तराखंड को सेलेक्ट कर लिया है, उत्तराखंड में किस सिटी को आप सेलेक्ट करेंगे, मैंने पौड़ी सेलेक्ट कर लिया है। सेकंड प्रेफरेंस उत्तराखंड में मैंने सेलेक्ट कर लिया है रुड़की को, और 3rd ऑप्शन मैंने उत्तराखंड में सेलेक्ट कर दिया है अल्मोड़ा को, और 4th अपने सुविधा के हिसाब से आप इनको सेलेक्ट कर सकते हो, उसके बाद आपने सेव कर लिया है। 4 चॉइसेस आपको पूछी जा रही है, अगर आपको चेंजेस करने हैं तो आप अपडेट कर सकते हैं, अदरवाइज प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन में आप जा सकते हैं। इसके बाद जो इन्फॉर्मेशन है वो जनरल इन्फॉर्मेशन है, किस तरह से आपको अपना फोटोग्राफ सेलेक्ट करना है, तो फोटोग्राफ और सिग्नेचर के लिए कुछ रिक्वायरमेंट है, जो फोटो आपकी होगी वो 80% पूरा फेस उसमें शो होना चाहिए, मास्क नहीं पहनना है आपको, और उसका साइज जो है वो 10 KB से लेके 200 KB तक होना चाहिए जो आप फोटो अपना अपलोड करोगे। सिग्नेचर का जो साइज है वो और कम है, 4 KB से लेके 30 KB। तो इस फॉर्म को फिल करने से पहले आप इन साइज में अपने फोटो और सिग्नेचर को ले आएंगे तो बेटर रहेगा, आप आसानी से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके बाद आप फोटो को आप सेलेक्ट करेंगे, उसको अपलोड करेंगे, इसके बाद सिग्नेचर
वो आप सेलेक्ट करेंगे, स्टार्ट अपलोड करेंगे तो सिग्नेचर और फोटो अपलोड होने के बाद आप नेक्स्ट सेक्शन की ओर बढ़ेंगे। इस तरह से आपको शो करेगा आपका सिग्नेचर और आपका फोटो और फॉर्म की समस्त डिटेल आपको दिखाएगा। दोनों स्लॉट में आपने सब्जेक्ट चूज किए हैं, फर्स्ट स्लॉट में भी और सेकंड स्लॉट में भी, यहाँ पे उसकी डिटेल भी आ जाएगी आपके पास कम्प्लीटली। तो पहले जो मैंने बताया था कि पहले जनरल कैंडिडेट मैंने चूज किया है, तो उसके हिसाब से 650 और 650 दोनों स्लॉट को मिला के टोटल फी जो हो जाती है वो है 1300 रुपये। इससे पहले एक क्रॉस चेक आपको पूछा गया है कि जो आपने डिटेल भरी है वो आपने चेक कर ली है यानी, या फिर इसमें फर्दर आप कोई चेंजेस करना चाहते हैं। अगर आपने सारी इन्फॉर्मेशन को देख लिया है और अगर सारी इन्फॉर्मेशन सही है, टिक करके आपको उसको क्लियर करना है कि हमने ये समस्त डिटेल अच्छी तरह से देख ली है और सारी ठीक है, इसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे कह भी रहा है कि नो मॉडिफिकेशन विल बी अलाउड आफ्टर फाइनल सबमिट। फाइनल सबमिट करने के बाद कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया जाएगा, तो हमें कोई इन्फॉर्मेशन अब इसमें करेक्ट नहीं करनी है, सारी इन्फॉर्मेशन हमें अच्छी तरह से फिल कर ली है। इसके बाद आप देख सकते हैं फीस सबमिट करने से पहले ईमेल वेरिफिकेशन सिक्योरिटी पिन आपको डालना है यहाँ पर, इसके बाद आपको वेरीफाई करना है इंटरव्यूअर वेरिफिकेशन कोड, ईमेल आईडी अगर आप देखेंगे जो आपका रजिस्टर्ड जिस ईमेल से आपने रजिस्ट्रेशन किया है वहाँ पे एक वेरिफिकेशन कोड आया होगा, तो ईमेल को रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो ईमेल या आपको याद रहना चाहिए। आप साइबर कैफे में जाते हैं वहाँ पे फॉर्म आधा फिल करा लेते हैं लेकिन आप ईमेल आईडी भूल जाते हैं, तो उसी ईमेल पे आपका ये वेरिफिकेशन कोड आएगा, उसको आप ईमेल से देख कर यहाँ पे फिल करेंगे। सिक्योरिटी पिन जो आपका है यहाँ पे उसको एडिट करेंगे, आप अगर अच्छे से नहीं दिख रहा तो आप उसको चेंज कर सकते हैं क्लिक करके। तो हमने उसको चूज कर लिया है जो हमें क्लियर दिख रहा है, उसके बाद उसको वेरीफाई हम कर लेंगे। वेरीफाई अब ये एप्लीकेशन फॉर्म हमने फिल कर लिया है, अब हम फीस पेमेंट की तरफ बढ़ेंगे। तो कंटिन्यू एप्लीकेशन फी के लिए हम बढ़ेंगे, ये फिर से हमें हमारी सारी डिटेल एक बार शो करेगा। अगर यहाँ पर भी आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन चेंज करनी है तो आप अपडेट कर सकते हैं, अदरवाइज आप नेक्स्ट सेक्शन में क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। फीस डिटेल आपसे पूछ ली गई है, प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन। इस तरह से ये आपके सब्जेक्ट के बारे में शो कर रहा है, आप प्रोसीड करते रहेंगे उसमें आगे। अब टेस्ट पेपर सिलेक्शन के बारे में आपको पूछ रहा है, अगर कोई अपडेट करना है तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप आगे बढ़ते ही रहिए इसको में। एग्जाम सेंटर कहाँ पे आप एग्जामिनेशन अगर चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। फीस सबमिट करने से पहले ये सारी इन्फॉर्मेशन आपसे एक बार फिर से, फोटोज जो अपलोड की है उसमें अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं उन सब के लिए आपको पूछा जाएगा। और फाइनली इस तरह से आपका एक पूरा प्रोफाइल क्रिएट होगा, आप उस प्रोफाइल में अपना पूरा डिटेलिंग देख सकते हैं और प्रोसीड टू पेमेंट, पेमेंट के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद आपके पास डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, पेटीएम, इन माध्यमों से आप फीस जमा कर सकते हैं। आप नेट बैंकिंग के थ्रू करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड के थ्रू या अन्य माध्यमों से, या यूपीआई के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो नेट बैंकिंग आप अपना यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट पासवर्ड के थ्रू आप पेमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। इस तरह से आप फीस पेमेंट करेंगे और उसके बाद फाइनली आपको आपका एक एप्लीकेशन क्रिएट होगा जो कि आपको आपके ईमेल पर भी उसके रिगार्डिंग एक इन्फॉर्मेशन आएगी और यहाँ पर भी आपको उसको एक प्रोफाइल आपका क्रिएट होगा जिसको आप प्रिंट कर सकते हैं या डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। और जब आप फाइनली फीस सबमिट कर लेंगे और वो फाइनल जो डॉक्यूमेंट है, प्रोफाइल जो आपका क्रिएट होगा, फाइनल फॉर्म क्रिएट हो जाएगा जिसपे सारी इन्फॉर्मेशन आपकी दी होगी, वहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन एंड हो जाता है। तो इस तरह से आप उसको अच्छी तरह से भरेंगे और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप HNBGU की वेबसाइट पर हेल्प डेस्क में जो नंबर दिए गए हैं, जो PDF वहाँ पे अपलोड किया गया है उसको, उसमें जो नंबर है उन पर कॉल करके आप अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, जो प्रॉब्लम आ रही है उसको आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।